आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दो प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे। इसको आपको बनाना भी है और बना कर हमको व्हाट्सएप भी करना है। जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आए उसको बताएंगे। ये देखिए आपके सामने आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू में इसकी जो लंबाई है 100 mm है, 100 mm। ये देखिए इस तरफ ये 100 mm है, इसका फ्रंट व्यू है ये, ठीक है। और इसी तरह से इसका ये साइड व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। जो 50 mm आपको दिखाई दे रहा है, आप 50 mm गौर से देखिए, ये यहाँ पे आपको 50 mm लिखा दिखाई देगा। ये 50 है, ठीक है ना, ये कितना है 50, ठीक। और ऊंचाई अगर आप काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊंचाई कहाँ से कहाँ इस पर काउंट करनी है। ये जो किनारे है ये 10 mm की है, 10 के बाद फिर 15 और रेडियस 20 ऐड कर लेंगे। देखिए ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ये कितना है 10 mm है, फिर प्लस करेंगे ये आपका कितना है, ये वाला पोर्शन दिया है 15 के बाद ये जो इसके ऊपर का जो पोर्शन है इसकी रेडियस 20 दी हुई है। ये जो रेडियस है ये कितनी दी हुई है, R20, ठीक है ना। तो आपको यहाँ 20 जोड़ लेना है, तो 20 15 20 कितना हो गया आपका 35 35 10 45। तो 45 mm इसकी क्या आ गई है, हाइट आ गई है। आप समझ सकते हैं इसकी हाइट कितनी है 45, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी 100 है, 100। और जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है 50। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आप पहले की वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको समझ में आया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबसे पहले हमको इस पर वीडियो निकाल लेना है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू बिल्कुल नीले कलर का है, रेडियस 20 दी हुई है। ये देखिए रेडियस 20 रेडियस का यहाँ पर गोला बना हुआ है, 20 रेडियस का हाफ सर्किल, ठीक है ना। इसके नीचे ये जो डिस्टेंस दी हुई है इस जगह पर आप देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 15 है। मतलब ये डिस्टेंस 20 के बाद नीचे की डिस्टेंस 15 और ये 10, और जो बीच ये कैपिटल आर जो है यहाँ पे आर रेडियस 30 दी हुई है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका ये फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू है नीले कलर का पूरा ये हिस्सा, ये आपको फ्रंट व्यू में बनाना है। ये हिस्सा आपका पूरा फ्रंट व्यू में रहेगा। तो इसमें आपको इस जगह पर से रेडियस लेनी है, कितने mm की रेडियस, 20 mm की रेडियस लेकर, ठीक है ना। R20 दिया हुआ है और इसका अंदर का R20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब 10 जो अंदर का गोला है ये 10 mm की रेडियस का बनेगा, और जो बाहर का हाफ सर्किल है ये 20 mm की रेडियस का रहेगा, और अंदर का 10 mm की रेडियस का, ठीक है, फुल सर्किल। और ये देख सकते हो आप ये वाला इसी का हिडन बनेगा जब आप बनाओगे तो यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए इसका हिडन बना हुआ है, ये 15 और 10, तो 15 और 10 है, तो इसमें 10 आपको चौड़ाई लंबाई ले लेना है, चूँकि फ्रंट व्यू है ना यहाँ पे। तो फ्रंट व्यू में ये जो आप चौड़ाई लेंगे यहाँ पे ये 10, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे। साइड व्यू पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, मैं आपको बता देता हूँ। साइड व्यू में आपको ये पोर्शन बनाना है और ये वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है ना। इतना पोर्शन, दो पोर्शन आपके बनेंगे साइड व्यू पर, एक 10x50 का बनेगा और दूसरा 15x20, मतलब कितना 35x50, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं, ये देखिए दो पोर्शन बने हैं, तो है ना, एक 10x50 एक 35x50, टोटल हाइट 45 दी हुई है। और ये देख सकते हो आप सेंटर लाइन से, ये जो सेंटर लाइन है इस सेंटर लाइन से 10 10 mm ऊपर नीचे आपको ये हिडन लाइन बना देनी, ये यहाँ पे हिडन लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से आपको टॉप व्यू में आप देख सकते हो, टॉप व्यू में आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है ना। टॉप व्यू में ये देखिए, ये आपको ये टॉप व्यू में दिखेगा, ये टॉप व्यू में दिखेगा, और ये भी आपको टॉप व्यू में दिखेगा। तीन हिस्से दिखाई देंगे। पहली जो पट्टी आपको बनेगी ये वाली, ये कितने बाई कितने की पट्टी बनेगी, 50x30 की, ठीक है। और दूसरी पट्टी ये जो आप यहाँ पे बनाएंगे दूसरी पट्टी, ये आपकी बनेगी 40x30 30 60 हो गया, 40x40 की, क्योंकि ये 100 है टोटल, तो 40x40 की ये बनेगी,
और ये वाली पट्टी आपकी जो 30 की बनेगी वो 30x50 की बनेगी, 40x50 की वो, ये ऊपर वाली ये 40x50 की, 30x50 की, और ये भी कितने की 30x50 की। ये देखिए यही चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं टॉप व्यू में, है ना। ये आपको पूरा बॉक्स बनाना है 100x50 का, और फिर ये आपको ये 15 लेना है, ये 10 लेना है, ये 15 लेना 10, ये बॉक्स बनेगा यहाँ पे। ये 40x50 का बॉक्स रहेगा, ये 30x का, और ये 30x, तो ये इस तरह से आपका ये टॉप भी बनेगा। बीच में सेंटर लाइन बना के आप पैटर्न बना लेंगे, उसको व्हाट्सएप करेंगे। बहुत अच्छा डायग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दूसरा डायग्राम यहाँ पर ये बना हुआ है, इसकी भी आप बीमाएँ देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये 60 है, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है 60, और यहाँ दिया हुआ है 25, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कितना 25, तो 25 25 50 और 60 कितना हो गया 50 60 110। तो जो आपकी लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 110 आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से साइड व्यू आपका कितने का है, 100 mm का है। साइड व्यू जो आपको बनाना है तो चौड़ाई आपकी है कितनी है, 100 है, कितनी है 100, तो आप लिख सकते हैं W=100, ठीक है। इसके बाद जो आपकी ऊंचाई है, आप ऊंचाई काउंट कर लें, ऊंचाई जो है ये यहाँ पर 25 है, 25 और 45 को जो 45 45 90, और 90 और 20 110 110 115, ठीक है ना। तो 90 में आपको 25 ऐड कर देना है तो आपका कितना आ जाएगा 115। तो हाइट आपकी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, हाइट इक्वल टू 115, तो 115। तो लंबाई आपको पता चल गई कितनी हो गई, लंबाई आपकी 110, ऊंचाई 115 और चौड़ाई 100। तो इस तरह से आपको तीनों बॉक्स बना लेने हैं। यहाँ पर सिंपल अलग अलग कलर में है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा। फ्रंट व्यू में ये जो आप नीले कलर के बॉक्स देख पा रहे हैं, है ना, वही चीज़ें आपको फ्रंट व्यू में क्लियरली दिखाई देंगी। जैसे ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, इधर भी ये फ्रंट व्यू है, ये भी आपका फ्रंट व्यू है। तो ये सब फ्रंट व्यू में, ये नीले कलर का जो बॉक्स है वो फ्रंट व्यू में है। ऊंचाई 25x25 के ये नीचे के बॉक्स है, फिर 60x25 का बॉक्स बनेगा, ठीक है। ये आप देख ही सकते हैं 45 45 90, फिर अंदर की तरफ आप कितना चले जाएंगे 40, ये देखिए 45, यहाँ 40 चले जाएंगे, ये पूरा आप आ जाएंगे 110, और इस स्लोप को ऐसा जोड़ देंगे, ये बॉक्स बन जाएगा आपका, ये बॉक्स सही है, ठीक है, और ये बॉक्स। तो ये तीन चीज़ें बनेंगी, और यहाँ पे ये सर्किल बनेगा, ठीक है ना, जो भी इसकी रेडियस है, क्या रेडियस दिया हुआ है इसकी, इसकी रेडियस दिया हुआ है 30, नहीं सॉरी व्यास 30 है, 15 mm की रेडियस का आप यहाँ पे सर्किल बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू के बाद साइड व्यू में आप देख सकते हैं एक लंबा लंबा सा सीधा सीधा सा 90 की हाइट का बनाना है। ये आपका साइड व्यू पे ये एक बॉक्स ये बन जाएगा, ये देखिए ये बॉक्स पूरा आपका बन जाएगा 25x100 का, और ये 90 डिग्री पे हाइट के साथ ये बन जाएगा। और यहीं पे आपका हिडन बना लेना है, किसका, इस गोले का, ये जो आपका यहाँ पर गोला दिया हुआ है सर्किल, इसका हिडन बन जाएगा, ये देखिए सेम चीज़ साइड व्यू पर, और ये हिडन बन जाएंगे। ये जो यहाँ पे कटिंग दी हुई है दोनों तरफ, है ना, ये कटिंग दी है इस जगह पे, ये इस कटिंग पे आपको हिडन बना लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह से टॉप व्यू में आप देख लीजिए, टॉप व्यू में बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये देखिए टॉप व्यू में, ये देखिए टॉप व्यू का ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन स्लोप वाला आप बना चुके हैं, ये पोर्शन इधर वाला पोर्शन, ये सारी चीज़ें आपको टॉप व्यू में बनानी है। आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है आपका, ये देखिए ये टॉप व्यू है, ये इसको गौर से देखेंगे, ये टॉप व्यू है आपका। तो आपको ये टॉप व्यू बनाना है, और बना के हमको व्हाट्सएप करना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग ड्राइंग बना के व्हाट्सएप कर सकें, चेक करा सकें। दोनों ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बनाया गया है वीडियो। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।